ओ भाई क्या हो रहा है, ये तूफान आ रहा है, पूरे दरवाजे वरवाजे सारे ये हो रहे हैं एंड एकदम धूल वाला तूफान चल रहा है। सब पेड़ पौधों में आत्मा आ चुकी है, डांस कर रहे हैं। भी मज़ा आ रहा है, ऐसे तो गर्म हवा ही चल रही है बट भी मज़ा आ रहा है यार। वे पे ना थोड़ा थोड़ा पानी गिर रहा है, शायद बारिश हो रही है। आई कॉन्ट बिलीव दिल्ली के इस गंदे गंदे गर्म गर्म मौसम में बारिश हो रही है। वाओ सच में बारिश हो रही है। The next morning. भाई साहब इतनी ज्यादा गर्मी है, कोई चक्कर आके मर ही जाए गिर के। सच में बहुत ज़्यादा गर्मी है। छाता लेके जा रही हूँ फिर भी धूप लग रही है। अभी ना व्लॉग बंद करके स्कार्फ निकाल के लगाऊंगी। सच में यार मौत आ जाए यार इसमें डिहाइड्रेशन तो। एंड दिस इज़ योर रिमाइंडर टू ड्रिंक वाटर एंड स्टे हाइड्रेटेड। गर्मी करने का सहारा। वाओ कल गड़गड़ और रहा था, आज फाइनली बारिश हो ही गई। वाओ मिट्टी की खुशबू। मैंने ना आज तक कभी ऐसी बारिश नहीं देखी जिसमें ये गिर रहे हो। ओह माय गॉड and welcome back to another vlog and this is the last day that I'm saying that I am 22 this is the last day of me being 22 abhi main nikli hu shopping karne, birthday hai mera and abhi main shopping karne ja rahi hu finally. bahut time se main soch rahi thi पर मेरे को अंदर से ना मन ही नहीं कर रहा था। मेरे को अंदर से था कि मैंने एकदम लो की बर्थडे करूँ, कुछ नहीं करूँ, बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट डे अवे फ्रॉम होम। लाइक लिटरली लाइफ के 22 साल के बर्थडे मैंने हमेशा घर पे मनाए हैं। दिस इज़ दी फर्स्ट टाइम मैं उनके बिना बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी, श्रुति के बिना बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी यार। एवरी ईयर शी सरप्राइजेस मी 12 बजे, आग बंद करके लॉक करके मेरे को कुछ ना कुछ करती है। पर आफ्टर 2 ईयर्स मेरा बर्थडे लॉकडाउन में नहीं आ रहा है, क्योंकि पिछले 2 साल मेरा हमेशा बर्थडे लॉकडाउन में गया एंड फाइनली इस बार लॉकडाउन में नहीं है बट मैं घर पे भी नहीं हूँ। तो फाइनली अभी मैं निकली हूँ कुछ लेने के लिए। आई एम इन नोएडा सेक्टर 18 जहाँ पे सारे मॉल्स हैं दुनिया के। तो मैं DLF जा रही हूँ। लेट्स सी दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग, नॉर्मल टी शर्ट स्कर्ट एंड आई एम कैरिंग दिस टोट बैग। मतलब मेरे को अच्छा लगा, इसके ऊपर अच्छा लग रहा था। एंड अभी मैं चल रही हूँ, राइट नाउ आई एम अलोन। एक मेरी फ्रेंड मुझे ज्वाइन करेगी मॉल में, सो या लेट्स सी क्या मिलता है। ऐसे कुछ ऐसे दिमाग में नहीं है मेरे, बट या लेट्स सी। काफ़ी बकबक कर ली मैंने। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, फाइनली मैंने अपनी फेवरेट उसी जगह से कोल्ड कॉफ़ी ले ली। अभी जा रही हूँ, ऑलमोस्ट शाम हो गई है, सनसेट हो गया, बट फिर भी अभी 7 भी नहीं बजे, बट फिर भी थोड़ा सा लग रहा है कि यार यहाँ पे ना जब जब आती हूँ ना मेरे को ये लिट्टी चोखा खाने का मन करता है, बट मैंने कभी नहीं खाया आज तक। मैं DLF आ गई हूँ। भाई साहब कितनी ज़्यादा गर्दी है यहाँ पे, मुझे लगता है सारी दुनिया आज ही बाहर आई है शॉपिंग करने और मुझे भी आज ही आना था। इतनी ज़्यादा भीड़ है और लिटरली हर एक जगह पे भीड़ है, कपड़ा हो या ज्वेलरी हो या कुछ भी हो। एनीवे ये मैं कितने दिन बाद आज मॉल आई हूँ, मुझे लगता है दुबई मॉल घूमने के बाद अभी सीधा मॉल आई हूँ मैं। और अभी मैं इधर मॉल में घूम के तो मुझे दुबई मॉल की याद आ रही है। बट DLF भी काफ़ी बड़ा मॉल है, लाइक लिटरली बहुत बड़ा मॉल है। एंड बोलते बोलते मुझे H&M दिख गया है, फाइनली माई डेस्टिनेशन इज़ देयर, नाउ आई गो इन H&M।
यार H&M में भी इतनी ज़्यादा भीड़ है, मेरे को फाइनली अपनी फेवरेट जगह मिल गई है, वो है ये, क्योंकि यहाँ पर पीछे पंखा चल रहा है तो कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे। सब कुछ या तो बहुत बहुत रिवीलिंग वाला है या तो बहुत पता नहीं कुछ अजीब अजीब सा दिखाती हूँ मैं। अब बताओ ये कोई पहनेगा इतनी ज़्यादा गर्मी में, और मैं ये पहनना ही कैसे वही नहीं पता है, मतलब मुझे पता है ऑब्वियसली। नीचे वाले सेक्शन में भी देख लेते कुछ है क्या। असली बात बता एकदम दिल की, मुझे मन कर रहा मैं ये पहनूं बर्थडे में, ये और नीचे ये सबसे कंफर्टेबल। हाँ ये भी चलेगा, बट मुझे वन पीस ही पहनना, उस दिन कॉलेज में मुझे एक्चुअली पहनना है। वाह कितना अच्छा है ये टॉप, बहुत अच्छा है। क्या ये 6000 रुपये का है? क्या था उसमें 6000 रुपये का? उससे अच्छा तो मेरा स्कूल यूनिफॉर्म ही था यार। मतलब तो कुछ भी प्राइस रख देते अपने मन से, सीरियसली। अभी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे हूँ और यहाँ पे इतना बकवास सब कुछ मिल रहा है। फाइनली आई एम डन नाउ फॉर द शॉपिंग डन। इतना हेक्टिक रहा है, इतना दिमाग ख़राब हो गया। क्या हो गया ना, मैं पहले सबसे पहले मैंने ना मतलब मेरे को पूरे मॉल में इतने सारी जगह थी, मेरे को एक भी ढंग का ड्रेस नहीं मिल रहा था, लिटरली एक भी नहीं। एक चीज़ मुझे अच्छा लगा जो डिस्प्ले पे Forever 21 के डिस्प्ले में मैनिक्विन पे लगा था। उसके बाद मैं अंदर गई, मैंने सेम चीज़ ढूंढा, बट ना उसमें कुछ ना कुछ था, या तो उसमें ब्लैक कलर वाला अवेलेबल था जो कि अच्छा लग रहा था, बट जो मैंने कलर लिया मुझे वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसके बाद उसमें साइज़ का इशू आ गया, जब मुझे ये मिल गया तो उसमें साइज़ का इशू, कभी कुछ कभी उसमें ये। एंड मैं लिटरली कभी ज़िंदगी में मैंने एक्सेस साइज़ नहीं लिया है ज़िंदगी में, ऐसे बचपन में नहीं, अभी की बात कर रही हूँ। और पता नहीं कैसे बट मुझे सिर्फ एस या एक्सेस साइज ही सही लग रहा था, बाकी सब थोड़ा ढीला ये वो कुछ ना कुछ लग रहा था। और लास्ट में ये ऐसे हुआ, मतलब पूरा कट शॉर्ट करके एंड में ये हुआ कि मैंने बोला कि मुझे एक्सेस ही चाहिए वरना नहीं चाहिए, एंड वो बोल रहे कि मैम संडे है अभी स्टोर क्लोज हो रहा है ऐसा वैसा। लास्ट में करके उन्होंने वो मैनिक्विन में जो लगाया हुआ पीस था वो मुझे निकाल के दिया। बस लाइक यार, मतलब एक चीज़ अच्छी लगी मैनिक्विन पर लगी हुई, वही चीज़ लिटरली उसे उतार के भी लेके आई हूँ मैं। चलो पर फाइनली कुछ मिल तो गया, अभी जा रही हूँ फटाफट, आई विल गो बैक नाउ एंड आई विल सी यू टुमारो और नेक्स्ट टाइम मे बी।